विमान, उसकी कुछ स्टोरी है आपके पास जो आप शेयर कर सके, बिकॉज वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है पूरे रामायण में। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि सेंचुरी में जो राइट बंधु थे उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, है ना। हाँ तो मैं समझता हूँ कि ये पुष्पक विमान हमारी जो संस्कृति में है, मैं कहता हूँ 10,000 साल पुरानी, एक्चुअली 10,000 साल पुरानी है। तो हम 10,000 साल पुरानी नई भी माने तो कम से कम 200-400 साल पुराने तो हमारे पास में प्रूफ है ही, जी ये तो प्रूफ है। तो उसका मतलब है कि पुष्पक विमान जो था उस समय एग्जिस्ट करता था, तो बिल्कुल वही राइट बंधु ने मेरे ख्याल से कॉपी किया और उन्होंने डिस्कवरी करके उसको एरोप्लेन के हिसाब से लॉन्च किया। उसको तो कहा पुष्पक जाता विमान है कि का पहला पहला विमान हमारा पुष्पक विमान था जो जी जी हमने जी जी डिस्कवर करेक्ट किया है। करेक्ट करेक्ट। पुष्पक जी विमान से रिलेटेड ऐसा है बिकॉज की इसको एक मतलब है कि इमेजिनरी था, किसी के दिमाग में था नहीं कि कैसे बनाएगा कैसा होगा। तो आर्ट डिपार्टमेंट ने 3-4-5 स्केचेस बनाए उसके, और उसने दिखाया कि कौन सा रावण की पर्सनैलिटी के साथ में मैच करे और अथेंटिक लगना चाहिए, कि हाँ ये बिलीवेबल लगना चाहिए। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3-4 मॉडल में से ये मॉडल सिलेक्ट किया गया, जो 3-4-5 लोगों की ओपिनियन भी ली गई उसमें कि कौन मतलब ये अच्छा है कि नहीं है वगैरह, और अल्टीमेटली सबके जो मेजोरिटी थी उन्होंने अप्रूव किया कि ये मॉडल बेटर है। तो उसका फिर सेट बनाया गया पूरा बना के, फिर इस पूरे सिक्वेंस को रोमा में शूट किया। रोमा रोमा ब्लू में, स्क्रीन है, पूरा रोमा में, ब्लू हाँ स्क्रीन, हाँ रोमा पूरा में, हाँ पूरा ब्लू स्क्रीन लगा के उसको जी 1-3-4 फीट की हाइट पे हाइट दी गई, और उसके बाद उसको शूट किया गया। और उसके बाद में जो उसको मर्ज किया गया आउटडोर से, आउटडोर के सीक्वेंसेस अलग शूट किए गए थे और उन सीक्वेंसेस को इसके साथ में मर्ज करके दिखाया कि किस तरह से ये उड़ के जाता है। और उस समय थोड़ी सी हाइट होने की वजह से जो सीता जी को लेके जाना था रावण को उसके जी ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो शॉर्ट है उसके ऊपर ना ले जाते हुए सीधा सिर्फ स्ट्रेट दिखाया कि उसके ऊपर उनको डाल दिया। हाँ क्योंकि क्या है कि वो थोड़ा सा मतलब है कि प्रॉब्लमेटिक था कि लेके गए कंधे पे, जैसे उतरते समय दिखाया था रावण किस तरह से उतरते हैं विमान से, क्योंकि थोड़ी हाइट थी ना उसकी, तो इसके लिए, जी पर चढ़ाने जी के टाइम पे वाज नॉट पॉसिबल टू डू दैट। तो इसलिए क्या हाँ है कि वो डायरेक्ट शॉट दिखा दिया कि हाँ लेके आए, और अब लोग इमेजिनेशन करें जैसे करना है उनको, और चीजें उठा के डाल दिया उसके हिसाब से उन्होंने किया था। ओके ओके। और जो पक्षीराज जटायु थे वो भी जी काफी, मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहे रामायण का, तो हाँ, वो डायरेक्ट उनको भी मैं बताऊँ ना कि इस सेट पे उड़ाया था और पीछे हुक लगा के उड़ाया था उनको, और थोड़ा सा मतलब है कि ट्रिकी था, रिस्की था और चैलेंजिंग भी था, तो हुक के अगेंस्ट में किया था वो भी, फिर वो बकायदा उनको एक हुक लगा के उसको हिसाब से उड़ाया था, और वो भी उसको भी क्रोमा किया था, मतलब एक उसको भी ब्लू कर दिया था जिससे वो हाँ, विजिबल हो गया, इस तरह करके वो ओके उड़ाया था। और बल्कि उनके अंदर हाथ में उनको बांध दिया गया था, और हाथ से वो पंख को जो है वो ऐसा चलाते थे। तो हाँ थोड़ा तो वो मतलब है कि इस तरह का एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हाँ अगर आप मतलब ये एक टेक्निक है जो ग्लव्स, जैसे हम हैंड ग्लव पहनते हैं, जैसे जी हैंड ग्लव जैसे पहना दिए गए थे दोनों पंखों को उनको, और फिर जी उन्होंने वो उसको हाथ से हिला के वैसे किया था। ओके और पर तब भी बहुत टफ था, ये जटायु का कॉस्ट्यूम ना अगर देखा जाए तो फर लगे हुए हैं पूरे, और गर्मी में और लाइट में आप शूट कर रहे हैं, वही ओ माय गॉड, एक्टर को क्या हालत होती है इनसाइड उसके, आप सोचिए पूरे शरीर में पसीना और मतलब हालत खराब हो जाती थी, बिल्कुल बहुत बुरी हालत। बिल्कुल 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 बिल्कुल।